ये हमारे गांव की चौथी झुंड है। इस समय हम लोग चौथी झुंड के पास हैं। आप लोगों को बता दें कि हम बहुत जल्द कनैली गांव छोड़ने वाले हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, महीना दो महीना, लेकिन एक कनैली गांव में रहना ठीक नहीं है हमारे लिए। बहुत जल्द इनकी व्यवस्था कनैली गांव में वीआईपी करके हम दूसरे गांव का दौरा कर रहे हैं। कनैली गांव एक राजनीतिक गांव है। और वो इस धर्म के कार्य को राजनीतिक स्तर से देख रहे हैं, राजनीतिक नज़रिए से देख रहे हैं। वो लोग इस जय बजरंग बली हेल्प ग्रुप को राजनीति की ओर ले जाना चाहते हैं और जय बजरंग बली हेल्प को राजनीति की तरफ कभी नहीं ले जाया जाएगा। इसमें धर्म होगा, न्याय होगा। जिस दिन कनैली हमारे कनैली गांव में इनकी सुविधा वीआईपी हो गई और अच्छी हो गई, उस दिन हम तुरंत कनैली गांव छोड़ देंगे, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि इस राजनीतिक गांव में हमारा मन नहीं लगता। आप लोग विश्वास रखिए, ये लड़ाई हम लोग ज़रूर जीतेंगे। विश्व स्तर पर ये लड़ाई हम लोग ज़रूर जीतेंगे। जो लोग नकारात्मक लोग हैं, इधर उधर की बात करके जय बजरंग बली हेल्प ग्रुप में व्यवधान डालना चाहते हैं, चाहे हमारे ग्रुप में कोई जुड़ा हो, अगर अधर्म कर रहा है तो उसका कतई साथ नहीं दिया जाएगा, चाहे वो जो हो, चाहे हमारे घर का हो या बाहरी हो। अगर वो धर्म और न्याय के साथ है तो उसकी दिलो जान से पूरी मदद की जाएगी। और कभी किसी की बात भी सुनी जाएगी तो बिना दोनों पक्षों के कभी किसी की बात भी नहीं मानी जाएगी। और जो अधर्म करेगा उसको तो दंड मिलेगा तुरंत। अभी कुछ लोगों को मजाक लग रहा है कि यह कार्य कैसे सिद्ध होगा। बस जिस दिन हम कनैली छोड़ दिए, यहाँ इनकी वीआईपी सुविधा हमने कर दी, उस दिन एक या दो महीने के अंदर पूरे विश्व स्तर पर इनकी खाने की नंबर वन की सुविधा की जाएगी। कुछ असुविधाओं के कारण ये पहली मीटिंग अभी नहीं हो पा रही है, बस थोड़ा टाइम का इंतज़ार और है। कुछ परेशानियां हैं जिनके कारण ये पहली मीटिंग नहीं हो पा रही है। हमारे पप्पू भाई आए हुए हैं जो कि हमारे जय बजरंग बली हेल्प ग्रुप के सदस्य हैं। थोड़े टाइम के बाद हम आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ, जहाँ जहाँ भी ये हैं, विश्व स्तर पे जहाँ जहाँ भी हैं, हम बहुत जल्द आ रहे हैं आप लोगों के पास। बहुत जल्द इनकी अपने गांव में अच्छी सुविधा करने के बाद हम बहुत जल्द आ रहे हैं आप सब लोगों के पास। बस थोड़ा टाइम और रुक जाइए, जब आपने इतने वर्षों से इंतज़ार किया है तो बस थोड़ा टाइम और दीजिए, बस थोड़ा टाइम। बस कुछ ही महीनों की बात है। बस जय श्री राम, जय बजरंग बली। हम ईश्वर से रात दिन यही कामना करते हैं कि बहुत जल्द ये लड़ाई जीती जा सके, और रात दिन यही दुआ करते हैं कि इनका विश्व स्तर पे भूखा पेट भरा जा सके हमेशा के लिए इस कलयुग की दुनिया में।